अरे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट शिगवंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जो हमारे पीछे की वीडियो थी उसमें हमने ग्रामर के टॉपिक है जैसे कि संज्ञा सर्वनाम उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब हम करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको इसके साथ साथ जो हमारे पीछे की वीडियो है संज्ञा का और सर्वनाम का उसका भी अध्ययन करते रहना है, उसको बार बार रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना उसको, नहीं तो सब क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे अपन। अब आज हम देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए उप प्लस सर्ग, उप अलग हो जाएगा और सर्ग अलग हो जाएगा। ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, वो हो जाएगा आपका उपसर्ग। परिभाषा देखते हैं अपन। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसका जो अर्थ है वो अर्थ बिल्कुल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, देखिए जैसे कि उपसर्ग के पहले भेद देख लेते हैं। कितने भेद है उपसर्ग के? तीन भेद है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव और तीसरा है आगम। इन तीनों भेदों के बारे में आपको बिल्कुल छोटे से रूप में समझा देता हूं कि जो तत्सम शब्द है वो ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और बिल्कुल हूबहू किसी जगह प्रयोग किए जाते हैं, कुछ भी परिवर्तन उसके अंदर नहीं होता है। दूसरा है तद्भव, ऐसे शब्द जो मूल रूप से हिंदी के हैं और उसी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। अंत में है आगम, ऐसे शब्द जो बाहर से आए हैं और हमारी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, वो हो जाएंगे आगम। उस प्रकार तत्सम, तद्भव और आगम उपसर्ग के तीन भेद होते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि उपसर्ग किस प्रकार में पता चलेगा कि कौन सा प्रत्यय या कौन सा उपसर्ग। प्रत्यय वैसे पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अब अपन को देखना है कि जितने भी उपसर्ग हैं उनके किसी शब्द में संयोजित होने से, जुड़ने से शब्द का अर्थ कैसे बदल जाता है। बच्चों उदाहरण जब तक नहीं समझेंगे अपन को परिभाषा का ज्ञान पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखिए वियोग, विहार, प्रहार, निरोग, कुचाल और कपूत, वैसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं लेकिन यहां पे आपको समझाने के हिसाब से कुछ उदाहरणों को लिया गया है। सबसे पहले देखिए वियोग, उसको अपन अलग करते हैं, वी प्लस योग। अब वी हो जाएगा उपसर्ग और योग हो जाएगा शब्द। योग का क्या होता है, जैसे कि अपन कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या हो जाता है, योग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही योग शब्द में वी उपसर्ग जुड़ जाएगा तो पूरे ही शब्द का अर्थ बदल जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा वियोग, यानी दुखी हो जाना। जैसे कोई नायक अपनी नायिका से, उसका क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है, वो दूर चला जाता है। उसके बाद विहार, कैसे, वी प्लस हार। हार का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति क्या होता है, कोई खेल खेलने जाता है, कबड्डी है, कुश्ती है, वहां क्या हो जाता है, हार जाता है। बहुत सारे लोग तो अपनी जिंदगी से भी क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही हार शब्द के अंदर वी उपसर्ग जुड़ेगा पूरे शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो हो जाएगा विहार। अब विहार का अर्थ क्या होता है बच्चों, कहीं पे घूमने जाना, जैसे कि कोई बागान हो सकता है, कोई बगीचा हो सकता है। फिर है प्रहार, प्र प्लस हार। हार का अर्थ वही हो जाएगा जब व्यक्ति अपने आप में हार मान लेता है, उसे लगता है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हार शब्द में प्र उपसर्ग जुड़ जाएगा तो पूरे शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, प्रहार करना यानी किसी के ऊपर चोट पहुंचाना। जैसे युद्ध में कोई दो प्रतिद्वंदी है, वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे पे प्रहार करेंगे, लाठी हो सकती है, तलवार हो सकता है, ये हो जाएगा प्रहार। उसके बाद निरोग, नी प्लस रोग,
नी हो जाएगा उपसर्ग, रोग हो जाएगा, जैसे कि आपको कोई रोग हो जाता है कभी, है ना, वर्तमान में जो भी रोग चल रहे हैं, जैसे बुखार आ जाता है अपन को, खांसी हो जाती है, सब क्या आएंगे, रोग के अंदर आएंगे। लेकिन जैसे ही रोग शब्द के अंदर नी उपसर्ग जुड़ जाएगा, पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा निरोग। जैसे कि अपन सबसे सबके लिए कामना करते हैं कि आप हमेशा क्या रहे, निरोग रहे, भगवान करे कभी आपको कोई बीमारी ना हो। तो निरोग का अर्थ हो जाए ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। फिर है कुचाल, कु प्लस चाल। अब कुचाल के अंदर क्या हुआ, कु उपसर्ग जुड़ गया, तो कुचाल का अर्थ क्या होगा, किसी के लिए बुरा करना। जैसे कि आजकल सामाजिक दौर में देखा जाता है हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुचाल करता है, कोशिश करता है मैं इसका बुरा कैसे करूं। फिर है कपूत, क प्लस पूत। कपूत और सपूत इन दोनों को मिला करके एक छोटा सा पद भी बनाया गया है। जैसे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र कपूत है, माता पिता का कहना नहीं मानता है, तो भी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर पुत्र सपूत है, माता पिता का कहना मानता है, तो भी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्यों, कपूत होगा तो क्या करेगा, धन को व्यर्थ में गवा देगा, और सपूत है तो वो कैसे भी करके धन का अर्जन कर लेगा। इस प्रकार पूरा उपसर्ग हमारा पूर्ण हो जाता है। उसके बाद देखते हैं अपन प्रत्यय। अब अमूमन आपको पहले यह देखना है कि प्रत्यय में और उपसर्ग में क्या फर्क है। तो जैसा कि आपको बता दिया, उपसर्ग में क्या होता है, कोई भी जो शब्दांश है वो क्या होगा, आगे जुड़ेगा, और प्रत्यय में जो भी शब्दांश है वो क्या होगा, शब्द के पीछे जुड़ेगा। जैसे जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे कहते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत और तद्रित। अब उदाहरण के माध्यम से अपन देखते हैं कि प्रत्यय में क्या क्या फर्क होते हैं, कैसे प्रत्यय जुड़ती है, कैसे प्रत्यय अलग होती है। तो चलिए, सबसे पहले है सामाजिक, उसके बाद है सुगंधित, फिर मिठास, बढ़ाई, होनहार और नाटककार। अब इनको, इनकी जो प्रत्यय इनके तो जुड़ रखी है, इनको क्या करते हैं अपन अलग करते हैं। समाज प्लस एक, सामाजिक के अंदर कौन सी प्रत्यय हो जाएगी, एक प्रत्यय हो जाएगी। आपको यहां देखना, एक प्रत्यय हो गई। अब जैसे ही समाज के अंदर अपन एक प्रत्यय संयोजित करेंगे, जोड़ेंगे, तो पूरा शब्द बन जाएगा सामाजिक। उसके बाद सुगंधित, तो इसमें भी क्या होगा, सुगंध प्लस इत, इत क्या हो जाएगी, प्रत्यय हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सुगंध के अंदर इत प्रत्यय को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा, सुगंधित, जिसमें अच्छी महक आती हो। फिर मिठास, मीठा प्लस आस, जैसे ही मीठा शब्द के अंदर आस प्रत्यय जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, मिठास। फिर है बढ़ाई, बड़ा प्लस आई, ये सब क्या हो जाएगी, प्रत्यय हो जाएगी। अब जैसे बड़ा के अंदर आई प्रत्यय जुड़ेगी तो कौन सा शब्द बन जाएगा, बढ़ाई शब्द बन जाएगा। फिर है होनहार, उसको भी देख लीजिए, होन प्लस हार, जैसे होन शब्द के अंदर हार प्रत्यय जुड़ेगी तो होगा शब्द होनहार। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बहुत समझदार होते हैं, तो अध्यापक कहते हैं कि इस जैसा होनहार बच्चा हमने अभी तक नहीं देखा। अंत में नाटककार, नाटक प्लस कार, नाटक जैसे कि अपन बहुत सारे धारावाहिक देखते हैं टीवी पे, आए दिन कोई ना कोई नाटक होता रहता है। और कार, जैसे कार प्रत्यय नाटक शब्द के अंदर जुड़ जाएगी तो अपना क्या हो जाएगा, नाटक कार हो जाएगा। जो नाटक की रचना करता है वो हो जाएगा नाटककार। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही टॉपिक पूरे हो जाते हैं। अब देखना यह है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो या तो आपको दो दो शब्द दे रखे होते हैं, जैसे कि आ गया वियोग, तो आपको क्या करना है, उसको अलग करना है। तो आपको करना पड़ेगा वी प्लस योग, लिखना पड़ेगा कि वी उपसर्ग के योग शब्द में संयोजित होने से वियोग शब्द बन गया। और अगर प्रत्यय पूछा जाएगा तो आपको अमूमन ये देखा जाता है कि
विच्छेद पूछा जाता है समाज प्लस एक, तो आपको दोनों का क्या करना पड़ेगा, संयोजित करना पड़ेगा और परीक्षा में लिखना पड़ेगा सामाजिक। तो आपके जो दो दो नंबर के प्रश्न हैं इसमें आपके पूरे अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब मिलते हैं इसी के साथ आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।